नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुश चौधरी इगलाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्जाम की, जिस पैट 2023 की जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि पैट एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, उस फॉर्म कब से कब तक फिल होगा, उसकी फीस क्या होगी और एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर देर ना करते हुए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। देखिए, पैट एग्जाम 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 1 अगस्त से 30 अगस्त रहने वाली है। देन उसके बाद बात आती है फीस सबमिशन की। फीस सबमिशन एंड करेक्शन, याद रखिएगा, फीस सबमिशन और करेक्शन, जो फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो उसकी जो डेट रहेगी वो 6 सितंबर 2023 रहने वाली है। 6 सितंबर 2023 अगर हम फीस की बात करें तो फीस जनरल और ओबीसी के लिए 160 है, 160 रुपीज प्लस 25 रुपीज किस बात के लिए जा रहे हैं, ये प्रोसेसिंग फी है जो हम लोग ऑनलाइन डेबिट कार्ड से या हम नेट बैंकिंग के थ्रू जो पेमेंट करते हैं उसके लिए एक प्रोसेसिंग फी लगती है। उस प्रोसेसिंग फी का उन्होंने अमाउंट ओपन कर दिया, 25 रुपीज आपके प्रोसेसिंग फी होंगे। अगर हम एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी का जो अमाउंट है वो 70 रुपए रहने वाला है प्लस 25 प्रोसेसिंग फी रहेगी। तो ये जनरल और ओबीसी का जो अमाउंट रहेगा वो 185 हो जाएगा, 185 रुपीज यहाँ पे आपके लगेंगे। एससी और एसटी के लिए ये 95 रुपीज होंगे। और पीएस के मतलब है फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो अमाउंट है वो 0 है, बस उनकी प्रोसेसिंग फी जो फर्स्ट आपके फॉर्म की जो प्रोसेसिंग फी होगी वो 25 रुपीज होगी। तो पीएस के लिए ये अमाउंट 25 रुपीज रहने वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम होता क्यों है, किस लिए होता है। यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम इसलिए होता है क्योंकि द कैंडिडेट क्वालिफाइंग प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक तरह से आपका एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है जो आपकी बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई होता है। क्योंकि आप ये एग्जाम देने के बाद, जैसे कि यूपी लेखपाल का एग्जाम हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन का हो गया, जूनियर असिस्टेंट का हो गया और अदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो एग्जाम्स होंगे आप डायरेक्ट उनके मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, ये इन जॉब्स के लिए एक तरह से प्रीलिमिनरी आपका एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप इन सब एग्जाम्स के मेंस में जा सकते हैं। अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम पैटर्न की, पैट एग्जाम देखिए, पैट का एग्जाम हम सब ने सुना है, हम सब तैयारी करते हुए होता क्या है कि हम लोगों को एग्जाम का पैटर्न नहीं पता होता है, हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसीलिए ईगल आई एकेडमी ने आपके लिए एक एग्जाम पैटर्न बनाया है जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होता है। देखिए, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री 5 मार्क्स की आती है, इंडियन हिस्ट्री सिर्फ 5 मार्क्स की आती है। नेशनल मूवमेंट जिसको मॉडर्न इंडिया भी बोल सकते हैं, ये आपकी 5 मार्क्स की आती है। ज्योग्राफी भी सिर्फ आपकी 5 मार्क्स की आती है। इंडियन इकोनॉमी भी आपकी 5 मार्क्स की आएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी आपके 5 मार्क्स की आएगी। जनरल साइंस में ये बेसिक साइंस ही होता है, सिर्फ बेसिक साइंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बेसिक साइंस आपका 5 नंबर का आएगा। एलिमेंट्री मैथ जिसको अर्थमेटिक भी बोल देते हैं, ये 5 नंबर का आएगा। जनरल हिंदी भी आपकी 5 नंबर की आने वाली है। लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी 5 नंबर की आने वाली है। अब करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे 10 नंबर का रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। एनालिसिस ऑफ हिंदी अनरीड पैसेज,
हिंदी के दो पैसे जाएंगे और दोनों पैसे 10 नंबर के रहने वाले, मीन्स 5 नंबर का एक पैसे। इसके बाद ग्राफ इंटरप्रिटेशंस आएंगे, ग्राफ इंटरप्रिटेशन में 2 ग्राफ आएंगे, उनको हमने करना है, और 2 ग्राफ के जो मार्क्स रहेंगे वो 10 मार्क्स रहेंगे, मतलब 5 मार्क्स का एक ग्राफ रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 15, टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस टू टेबल। इसके जो मार्क्स रहेंगे ये भी 10 मार्क्स रहेंगे। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये 100 मार्क्स हो जाते हैं, ये 100 मार्क्स हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि हमें एग्जाम का पैटर्न और हमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होगा तो हम अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, और तैयारी अच्छे से हो पाएगी तो हमारा सिलेक्शन भी होगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप अपना खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ईगल आई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाइए, क्योंकि यूपी सबसे पहले न्यूज हम देंगे आपको, सबसे अच्छी देंगे, सबसे बेहतर देंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।